Welcome back, India aspirants, to the second last of 40 lectures of the Crash Course in English by MR tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. We're pretty much towards the end of our course together. We are soon going to start more series after this. Stay tuned. Etymology, हमने कल शुरू किया था, आज हम खत्म करेंगे. बहुत सारे root words देने वाला हूँ मैं आपको, जो काम आएंगे आपके. Borrowed words और foreign words अगर आ रहे हैं कुछ. French words जो आते हैं उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला, ज्यादातर वो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ. तो वो हिंदू का न्यूज पेपर अगर आप पढ़ते हैं, पढ़िए, उसमें से जो भी आपको नया सुअ मोटू लैजे फेयर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो नए आपको दिखाई देंगे, और उन सबको आप लिखते रहें अपने लेक्सिकॉन में. लेक्सिकॉन आपको बनाना सिखाया हुआ है हमने पहले, फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने लेक्सिकॉन बनाना सिखाया था. चलिए आगे बढ़ेंगे. आज सेकेंडरी डेरिवेटिव्स कंटिन्यूड रखेंगे. सेकेंडरी डेरिवेटिव्स तक हम लोग आए थे, उन्होंने कल देखा था प्राइमरी वर्ड्स होते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें सफिक्सेस प्रीफिक्सेस लगते हैं, प्रीफिक्सेस वर्ड से पहले, सफिक्स वर्ड के बाद. इंग्लिश सफिक्सेस हम लोग करेंगे, पहले हम लोग लैटिन और ग्रीक कर चुके हैं. अब नाउन्स के देखो, डिनोटिंग एजेंट और डूअर, करने वाला, ER, AR, जैसे पेंटर, बेकर, बेगर, सेलर, लॉयर, ऐसा को दिखता है. स्टर, स्पिनस्टर, पंस्टर, जो पंस प्ले करता है, जोक्स प्ले करता है, जोक्स्टर, सॉन्गस्टर, टर, डॉटर, फादर, ऐसे ही. डिनोटिंग स्टेट, एक्शन, कंडीशन, बीइंग, डॉम, वुड, लॉक, नेस, रेड, सर. फॉर्मिंग डिमिनिटिव्स, डिमिनिटिव्स मींस उसके छोटा रूप, तो लीफ का लीफलेट, लाइक दैट. चिकन, चिकलेट, LETB लग सकता है उसमें, तो चिक, चिकन. ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर डिमिनिटिव्स टू टॉक अबाउट द स्मॉलर वर्जन ऑफ समथिंग और द अंडर स्कोर्ड वर्जन और द ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल हैंड, तो हैंड से हैंडल, एली लगा के, लाइक हैंड होल्ड्स इट एंड इट्स लोअर देन हैंड, स्मॉलर देन हैंड, दैट इज इट इज ऑन डे होल्डिंग इट. कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई और कैसे और सारी चीजें हुई, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस ऑब्वियसली, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चर इन्वॉल्व बिहाइंड इट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लक एंड लॉट ऑफ एरर्स एज वेल समटाइम्स. अगले इंग्लिश सब्जेक्ट हम लोग एडजेक्टिव्स पे आएंगे. एडजेक्टिव्स के वो नाउन्स के थे, देखा आपने, नाउन्स के तीन प्रकार के. अब एडजेक्टिव्स के हैं, एडजेक्टिव्स के क्या लगता है, ईडी, जैसे ईडी का मतलब हैविंग गिफ्टेड टैलेंट, हैविंग गिफ्ट, हैविंग टैलेंट, हैविंग रिच, हैविंग लर्न, हैविंग नॉलेज, सो लर्नड. ईएन, फुल, इश, लेस, एलवाय, लाइक, सम, वर्ड, वाई, जैसे फॉरवर्ड, वेवर्ड, टुवर्ड, टुवर्ड और टुवर्ड्स, प्रीटी मच द सेम थिंग. टुवर्ड इज यूज्ड इन यूएस, टुवर्ड्स इज यूज्ड इन यूके, इज द सेम मीनिंग. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, बिकॉज देयर इज नो वर्ड कॉल्ड टुवर्ड इन योर लैंग्वेज, टुवर्ड्स, विच इज यूज्ड इन यूएस. And we use the UK English. UPSC also uses the UK English. All right. There are secondary derivatives continued. English suffixes of verbs ke, E-N-S-E-R. See the kind of words. Weaken, sweeten, rinse, chatter, glitter, glimmer. Yeh main sab aapko de raha hun content for just taking a screenshot and then doing your own work with it, going through it, trying to understand each and every word. Har word ka meaning aapko mil jayega internet pe. Wo mere ko dene ki avashyakta nahi hai. Yeh maine comprehensive bas collected resource aapko provide kiya hai. Yeh लेट्स कॉल इट, दिस इज द एडवेंट और एंट्री इन टू एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी अपने आप में एक पूरी सीरीज हो सकती है, शायद कभी आगे हम लोग चलाएं. अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CDS के बचे हैं, पहले वो हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन, परहैप्स कॉम्प्रिहेंशन एंड देन वोकैबुलरी एज अ सेपरेट सीरीज एज वेल, मे बी थ्रू शॉर्ट्स एंड idioms एंड वोकैबुलरी, मे बी थ्रू शॉर्ट्स एंड देन मे बी एट लास्ट मीन्स वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ दैट, मे बी वन अनदर कोर्स ऑफ बेसिक ग्रामर for people who are absolutely nil in the language or new to the language, unke liye ek basic grammar course shuru karna, wo grammar course, uske baad shayad fir etymology par jane ke liye hame time mile, kyunki bahut zyada deep mein hum usme ja nahi sakte aur zarurat nahi hai hame bahut zyada deep mein jane ke liye apne exam ke liye, but you, if you find time by yourself and you have time, abhi 11th mein, abhi 10th mein hai, graduation ke first year mein hai aur aage CDS aur NDA kuch dene ka soch rahe hain, aapke paas time hai, ek do saal hai, in your personal time you can research into it, you can research into etymology. Then we got for adverbs, ly, long, word, way, wise as well. Note, we still feel the force of a few English suffixes. We still feel the force of a few single English suffixes. Eh? It's not ER, hood, kin, ness, en. ER denoting the actor or the agent, as we just saw all of these. Now we have Latin suffixes. Latin suffixes, nouns ka sabse pehle, denoting chiefly the agent or doer. Usme kaise? AIN ke saath. Jaise chieftain, artisan, citizen, surgeon. ये भी वही है. अब इसमें सिटीजर नहीं बोल रहे, इंग्लिश में ER होता है पर इसमें AIN है और इंग्लिश ने बोरो किया है वो चीज को. ARATEORC, एडवोकेट, ट्रस्टी, सेवियर, एमेच्योर, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियर, एटसेट्रा एटसेट्रा. डिनोटिंग स्टेट, एक्शन, रिजल्ट ऑफ एन एक्शन.
AGENCCYION ICENTMONYTUDYTYURY. So this and then the rest of the words that is used in it is denoting a state action or result of an action. Then you got Latin suffixes continued of nouns. You got forming diminutives. Again, the diminutives. Where jo let chiclets ya chicken ian let et dekho ya cigar ka cigarette. Owl ka owlet, lance ka lancet, trump ka trumpet, trumps. Animalcule means microorganisms. That's a synonym for you as well. Globule, globe ka small. Then you got denoting places, ARYTR like dispensary, library, nunnery, cloister, thus, theater, etc. Then you got adjectives, AL, adding AL, suffix, national, legal, regal, mortal, fatal, and AR, ARY, ATE, etc. See, there are new words as well for you here to research into. Make sure you know the meaning of each and every word. Vocabulary बेहतर करने का एकमात्र तरीका यही होता है कि कभी भी कोई नया शब्द आपके सामने आए और आपने जिसको पहले कभी ना देखा हो तो वो आखिरी बार ऐसा हो कि वो आपके सामने आया है और आपको याद नहीं है वो आखिरी बार होना चाहिए. कभी भी कोई नया शब्द आ रहा है और आपको नहीं पता है कि उसका मतलब क्या है, ये आखिरी बार होना चाहिए कि वो आपके सामने आया और आपको नहीं पता है उसका मतलब क्या है. हर बार जब वो शब्द अगली बार जब आपके पास आए तो आपको कोई मेमोरी होनी चाहिए, कम से कम ये मेमोरी थी कि यार देखा है मैंने ये शब्द और मैंने देखा था मीनिंग क्या है उसकी. बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं है पर याद है मुझे कि मैंने देखा है. फिर से मीनिंग देखो उसकी तो शायद थोड़ा बहुत याद रह जाए कि यार पॉजिटिव था नेगेटिव था कुछ तो उससे था. फिर से मीनिंग देखो, तीसरी चौथी बार में जब वो वर्ड आपके सामने आएगा तो आपकी मेमोरी में वो बस चुका होगा फिर. बट यही है कि हर बार जब भी वो वर्ड आ रहा है आपके सामने, कोई भी नया वर्ड आ रहा है, उसको छोड़ो मत, मीनिंग देख कर ही आगे बढ़ो. चाहे समय लगे आपको इस पेज में, हो सकता है आपको एक घंटा लग जाए मीनिंग देख देख कर आगे बढ़ने का, पर वही वही तो है, वही तो स्किल डेवलप करनी है आपने, वही तो काम करना क्या है आपने. और लाइक दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द वर्ड्स एंड मूव अहेड, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. हमसे बचपन में करवा लिया गया था. अब जिस तरह के स्कूल में मैं था, हमें छड़ी मार मार के और मतलब वही डरा डरू के या जो भी थोड़ा अच्छे अच्छे स्कूल में डिसिप्लिन के साथ बढ़िया पढ़ा लिया गया था, हमें बचपन में ही कर लिया हमने वो सब काम. अब आपने अगर नहीं करवाया गया, आपसे नहीं करवाया गया, शिक्षा जो भी है प्रणाली हमारी उसके खातिर उसके चलते बहुत बेहतरीन शिक्षक अगर थे आपके विद्यालय के और ना पढ़ा पाए आपको संभवतः, तो अब आपको करना पड़ेगा वो काम अपने समय में, करना ही पड़ेगा भाई. उस चीज़ की भरपाई तो कौन करेगा, आप ही करोगे और कौन करेगा. ऑलराइट, Latin suffixes continued of nouns forming diminutives. Again, these are Latin suffixes. Denoting place, we've done this. Adjectives, all right. So, we're done with that. Let's move on to the next one. Latin suffixes continued. Adjectives. BLE-esque, like picturesque, grotesque. वो बताता है कि वैसा है, दिखने में अच्छा है, दिखने में बुरा है. Grotesque. IDILEINEIVLENTOSENOUS. These are the words, suffixes in Latin that are added to English. You know, verbs, it, s, fi, and ish, publish, nourish, for example, all of these words. Acquiesce, effervesce. Acquiesce means agree karna, manna kisi ki baat. Effervesce matlab wo bulbule nikalna, budbudana. Effervescence, aapne padha hoga apne chemistry mein, I think. When there is a reaction where a lot of bubbles are formed, I think it's called an effervescent reaction or something like that. I'm certain some of you chemists out there would be able to understand what I'm trying to say. Greek suffixes, ICAQE, IST, ISK, ISM, IZE, SYS. Ab ye Greek suffixes hain. Acha, note. We still have the first number of suffixes of foreign origin. These are French ki kuch suffixes bhi hain hamare paas. English mein matlab. Bahut sare borrowed words hain English mein. Bahut sare dusre languages ka uske upar prabhav hai. Added to nouns to denote, usually the person who takes up passive share in an action. For example, EE hota hai use, dekho. Jaise, employee, pay, legatee. Let's check this. Mortgagee, trustee, referee. So you refer to that referee trust, the person who holds the trust of the society. That is why they have the control of the money of that society. That is why they call the trustee, I suppose. O-R-A-R-E-R-E-R-I-E-R, the only person who performs a certain act or function, like emperor, scholar, officer. You've already seen that. IST, person with a trade or pursuit, like chemist. Theosophist, someone who does theosophy, that is study of religion. ISM, forming abstract nouns. Patriotism, BLE, forming adjectives that are usually a passive sense, tolerable, bearable. Then IZE and ISE, or ISE, IZE is more like US, ISE is UK, forming verbs. Crystallize, moralize, baptize, but here you will use Z itself. You cannot use S there. That is correct. Alright. Now you got roots. Roots ek nahi cheez hai. Etymology ka thoda next step hai, or thoda deep step hai. Now, root is the simple element common to words of the same origin. एक root word होगा और उसका एक meaning होगा और उस meaning से जैसे मैंने भाव बताया था पिछले lecture में,
कि भा का मतलब प्रकाश होता है, संस्कृत में रूट वर्ड जो भा है वो प्रकाश से संबंधित होता है, तो भास्कर, भानु, भारत, ऑल ऑफ दीज हैव टू डू विद लाइट, भारत पीपल हु आर भारतीय, और भारत इज अ लैंड ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स लाइट, भानु इज सन, भास्कर अगेन ऑल टू डू विद लाइट एंड मॉर्निंग, सो दीज आर रूट वर्ड्स, अब रूट वर्ड्स देखो हमने बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स का मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ, या आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट आउट करवा लो, अपने पास रखो, देखते रहो इसको हमेशा, 2, 3, 4, 5, 10 रोज के रोज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो अ फ्यू लैटिन वर्ड्स, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, EQUUS ये लैटिन रूट है, अब इसका मतलब इक्वल होता है, तो कहाँ का यूज हो, देखो इक्वल, इक्वेटर, इक्विवेलेंट, एडिक्वेट, ये सब इक्वालिटी से रिलेटेड है, उसमें यूज हुआ है रूट वर्ड। देखो अभी जो भी रूट वर्ड आपको दिखेगा, रूट वर्ड के आगे उसका मीनिंग लिखा है और मीनिंग के आगे उसके यूज लिखे हैं अलग अलग वर्ड्स में। जी एनिमा हैज टू डू विद लाइफ, तो एनिमस हैज टू डू विद माइंड, एनिमल, एनिमेट, यूनानिमस, मैग्नानिमस, ऑल ऑफ दैट हैज टू डू विद माइंड और द एनिमल। सो टेक अ फोटो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कंटिन्यूड, फ्यू लैटिन रूट्स, कंटिन्यूड, सी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज वेल, गो थ्रू ऑल ऑफ देम in your own time, the Latin roots continued as well, take a screenshot of these, deus, deus has got to do with god, see they're from deity and divine, deify, to make someone god like, we got more Latin roots, abhi hum fg par hi pahunche hain, gh par, uske aage bhi abhi hoga, pause the video here, go through them, see if you like any, put in the comment section if there's something you want to ask regarding these, or just take a screenshot and move ahead. Again, pause, go through them, see if there are any you want to inquire or talk about down in the comment section, or take a screenshot and move ahead. But you have to, don't just take a screenshot aur usko pade rehne de ki bhai screenshot le liya, wo screenshot lekar bhi lagta hai kuch achievement ho gayi. Screenshot lena hi apne aap mein badi achievement lagti hai ki humne screenshot rakh liya hamare paas, abhi phone ki memory mein beta, aapki memory mein nahi hai wo. स्क्रीनशॉट लग के लग तो रहा होगा आपको कि बहुत ज्यादा कलेक्शन हो गया आपका, पर एग्जीक्यूशन में जब आएगा, तो पेपर देने में जब आएगा, तब देखा जाएगा भाई कि, तो इसलिए कहते हैं कि PYQs देते रहा करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक पेपर्स देते रहा करें, ताकि आपको अपनी असलियत पता रहे, और स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रिंट आउट करवाओ, प्रिंट आउट करवा के एक पेज हमेशा अपने साथ रखो, और फ्री टाइम में पढ़ते रहो उसको, देखते रहो अलग अलग चीजें क्या है, और सब वर्ड्स का मतलब भी फिगर आउट करते रहो, आपके पास फोन है तो ऑलवेज गूगल का आपके पास हमेशा मीनिंग सर्च हो रहा होना चाहिए, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे है सबकी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए, सबकी मीनिंग के साथ उसका वही रूट वर्ड आपको समझ में, कि वैसा सा अगर कोई वर्ड आएगा तो आप पहचान जाओगे कि ऑल राइट स्वीट यस दिस रूट वर्ड उसका मतलब कुछ ऐसा होता है, और फिर रिलेटेड जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है दैट इज वेरी यू नो एग्जीक्यूटिव सी रेपेशियस रेवेनस वीगो रेक्टस आई रूल ऑलराइट अभी लैटिन ही है इसके बाद ग्रीक रूट्स भी हैं एंड दैट इज दैट फॉर दिस टुमारो वी गोना डू आवर लास्ट लेक्चर अबाउट द नेक्स्ट सेशन वी गोना डू अ लास्ट लेक्चर अबाउट लॉजिक लॉजिक का क्वेश्चन आया था इस बार CDS में संभव है NDA भी दिखाई ये चीज और CDS वाले भी जो फॉलो कर रहे हैं ग्रामर पोर्शन को उनके लिए लॉजिक विल बी समथिंग दैट दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड सो वी डू दैट सी वर्बम मींस अ वर्ड वर्ब एडवर्ब प्रोवर्ब वर्बोस वर्बल ऑल दैट कम्स फ्रॉम दिस वर्बोस मींस समवन हु यूजेस अ लॉट ऑफ वर्ड्स opposite of reticent or laconic ab ye greek roots hain latin or greek so our impact is latin greek and german mostly I think it's german grammar is it haben sie have you I think it is german grammar A few Greek roots, ago, elite, demagogue, pedagogue, stratagem, agon, a contest, agony, antagonist. If you contest, you will understand agony, antagonist. If you know the meaning, you will be able to see the connection between them. Yes, agony is just feeling that takleef, dikkat, antagonist means your vipreet, which is standing, your dushman. Contest, mein hai, dekho. Contesting, that is how it comes from there. Decade, another decagon, decade, decade, pata hai mein, 10 saal. Alright, move ahead. Again. comes from Greek roots. So yeah, logos होता है word. वहाँ पे verbal था, verbus, verbus Latin में, logos Greek में. और उससे कौन से words आए? देखो, dialogue, catalogue, astrology. What does the astro speak? What does the astro? What are the things of the star? What do the stars say? Astrology, the words of the stars.
Orthos, Polio, Polos, Scopio, Sophia, Metele, Temno, Theos. Theos, God. So that is where Theosophy comes from. We were just watching Theosophist, we saw in the suffix added of English, English or some other suffix. I think it must be Greek then. Theosophist. Theosophist, someone who studies God, the study of religion, study of God, Theosophist. Alright, so that's that for the root words. Keep them with you, keep a printout. This is how it might show itself. So, aperitif, we have to see. Now, attache French root. Hai. French, we have not done here cover. French, I have extra notes. I'll provide in class, but you'll have to be here for that. One example, I have to say, aperitif. Aperitif. Aperitif, we look at what we have root hai aperitif ka yahan pe kahin. So let's see, we don't have it in Greek. Let's see if we have it in Latin. Aperitif. Do we? Appello. Aperio. Alright, we've got aper. Aperio, which means open. Eye open. So aperture, April. April was supposed to be the first month, that is why it was called. So it comes from aperio, apertus. So aperitif could have come from it. Opening, starting, has to do with a beginning. Has got something to do with beginning. So let's see if we can figure out from the options ki aperitif kuch beginning wala yahan pe hai. Dekho. New and experimental ho sakta hai shayad. But wo avant-garde hai. These are words that come in the Hindu paper. Hindu papers mein aate hai, alibi, avant-garde. Alibi, humko pata hai ki proven fact of being elsewhere. Law ka word hai ye. Ye avant-garde, new and experimental, ye aapka sociology ka word hai. Fashion mein bhi hai. But if you read the paper daily, these words and you make sure that every word or every phrase that comes you understand the meaning of. Koi bhi aisi cheez aa rahi hai jiska aapko matlab samajh nahi aa raha to aage na badho, usko solve, usko samajh ke aage badho. Aise kaise aage badh rahe ho yaar, aage badhte ja rahe ho to kya isa khokhla aur moth eaten aapka understanding hoga. Solid nahi hoga, wo solid nahi hoga. Solid tabhi hoga ek ek cheez aapko samajh mein aa rahi ho, ek ek cheez aap uska anuvad karke hindi mein aap spasht roop se samjha sakte ho kisi murakh ko bhi, tab badhiya hoga wo. To imperative. A drink just before a meal. So, a meal ko shuru karne se pehle hum imperative lete hain. It's a drink that we take ki appetite badh jaye, pet bhook zyada lage. So sequence dekho, sequi, sequer humne dekha tha, sequer sequence ke hisab se non sequitur, yahan pe sequer confusion not from stated logic, it does not follow from it, wo sequence mein nahi aata hai. I have covered these words in our CDS question paper PYQ 2024 ka isi bar ke paper ke se hai ye, isiliye hum ye wale topics kar rahe hain kyunki is bar ye aaya aur pehli bar aaya. Borrowed words इतने भारी उसमें यामियामी देखो सारे French हैं, déjà vu, faux pas, en route, laissez faire, all of these entire French borrowed words. तो French borrowed words की एक और अलग list है, वो list again you have to come here to get it. And French seems to be something that these people are really enjoying because again aplomb is also from that. We've covered all of these questions in our PYQ solving वो CDS का. You will find it on our channel. Maybe we will link it here at this place. And CDS ka question paper aap dekhe, usme ye sare question papers solved hai. Alright, sweet. So now that's that for the grammar part of us. We are going to move with the PYQs, solving the PYQs. Ek aakhri PYQ aur hum log solve karenge ek dusre ke saath. 2013 ka dusra. Ab ye pichle sarkar ka PYQ hai. Aapne thoda difference bhi dekha hoga. Abhi tak aate aate thoda standardized ho gaya hai aur thoda एक पैटर्न आकर दिखने लगा है अभी पिछले कुछ सालों में कि इसी तरह के स्पॉटिंग एरर्स आ रहे हैं. पहले थोड़ा हेवायर था, थोड़ा अलग, क्योंकि अगेन आई थिंक इट मस्ट हैव टेकन अ फ्यू इयर्स टू गेट इनटू द ग्रूव एंड टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी नीड इन द मिलिट्री नाउ एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इंग्लिश, टिल व्हाट लेवल इज इंग्लिश इम्पोर्टेंट. Because we are not serving English masters anymore. मतलब कारण English का हमारे यहाँ इतना important होने का ये है. अब बताइए officers select भी उनके English बोल पाने की क्षमता पर होते हैं, क्योंकि हिंदी में नहीं होता SS भी. पर ये इसलिए था क्योंकि हमारे मालिक कुछ 400 साल तक अंग्रेज बोलने वाले थे, अंग्रेजी बोलने वाले थे, पर अब नहीं है वो. अब जो हमारे सरकार के जो सेवक हैं वो हमारे राजा नहीं है, वो सेवक हैं. तो मुझे लगता है कि उस माइंडसेट में हमें भी आ जाना चाहिए कि हम सरकारी काम करने वालों को हम राजा ना माने बल्कि सेवक माने समाज का.
वो एक समय के थे वो राजा, और उन्हीं का सिस्टम कंटिन्यू हो रहा है, वो अभी भी राजा ही समझ रहे हैं अपने आप को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। बट एनी वे, सपोज इफ यू, अब सपोज और इफ साथ में नहीं आता है, सपोज यू आर लेफ्ट अलोन और इफ यू आर लेफ्ट लिव अलोन, व्हाट वुड यू डू? सो सपोज और इफ दोनों साथ में नहीं आएगा, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। ही वंडर्ड दैट व्हाट दैट और व्हाट भी साथ में नहीं आता है, दैट के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है मान लो, या कंजंक्शन अगर बना रहे हैं हम इसको ज्वाइन करने के लिए द रेस्ट ऑफ द क्लॉज विद दिस, दैट के बाद वी विल नॉट हैव अनदर डब्ल्यू एच वर्ड। सो ही वंडर दैट और दैट नहीं लगेगा, दैट लगेगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये चेंज करना पड़ेगा, दैट नहीं लगेगा, व्हाट आएगा यहाँ पे सिर्फ ही वंडर्ड व्हाट दैट होगा, ही वंडर्ड दैट वुड बी द नेक्स्ट, ही वंडर्ड दैट व्हाट वुड हिज अपोनेंट्स डू, व्हाट वुड दैट, व्हाट दैट आएगा ही नहीं। ही वंडर्ड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज अपोनेंट्स हु हैड वाउड टू सी हिम डिसलॉज फ्रॉम पावर। सो बाकी ऑफ द सेंटेंस सही है, उसमें कुछ गलती नहीं है, उसके हिसाब से यहाँ व्हाट इज द करेक्ट थिंग, दैट एंड व्हाट बोथ ऑफ देम विल नॉट शो अप। ऑलराइट, द नेशन शुड बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत है, देखो यहाँ पे स्पेलिंग आया है, ये ग्रेटफुल नहीं होता है, ग्रेटफुल जी आर ए टी होता है, ग्रेट वाला ग्रेटफुल होता है, सो दिस इज नॉट दैट ग्रेटफुल, ग्रेट ये वाला ग्रेट नहीं, ग्रेट महान, ग्रेटफुल वो वाला ग्रेट की आभारी। आई डू नॉट नो वॉट इज ही डूइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आई डू नॉट नो वॉट ही इज डूइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो वी हैव द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हियर विदाउट हैविंग अ क्वेश्चन, या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। आई डू नॉट नो वॉट ही इज डूइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आई डू नॉट नो वॉट ही इज डूइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर सो मेनी इयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू बेड एट 10 पीएम डेली, फॉर सो मेनी इयर्स इट हैज बीन हिज हैबिट्स, आई लेट्स सी, फॉर सो मेनी इयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट्स टू गो टू द बेड, टू गो टू द बेड नहीं होगा, सो दैट इज द प्रॉब्लम यार, टू गो टू बेड, द बेड तब होगा जब, ये हमने देखा था आर्टिकल्स में कब लगेगा कब नहीं लगेगा, अगर बेड को हम बोल रहे हैं उसके उपयोग के लिए ही कह रहे हैं, वो यही बोलना चाह रहे हैं कि गो टू बेड मतलब सोने जा रहे हैं, गो टू द बेड नहीं लगता है वहां पे, गो टू बेड, द बेड तब लगेगा, गो टू द बेड मतलब वो बेड तक जा रहा है पर सोने नहीं जा रहा है, कुछ और करने जा रहा है, ही वेंट टू द बेड टू चेक वट एवर, सो ही वेंट टू बेड मतलब सोने गया, ही वेंट टू द बेड मतलब वहां तक गया कुछ करने के लिए, सोने नहीं, सो द, बट फॉर सो मेनी इयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट। I will not question again. ये तो गलत है ही है. This also is very questionable because for so many years, if you're using for and since, you have to use the present continuous, perfect continuous. But again, 2013 का question paper है. कौन क्या पूछे, किससे पूछे, क्या करे? अभी तो आगे बढ़ेंगे हम. He took down after his father. नहीं होता. He took after his father होता. Took after his father मतलब अपने पिता जैसा है वो. पिता के ऊपर गया है, पिता पर गया है कहते हैं ना हिंदी में, टुक आफ्टर, उसको कहते हैं टुक आफ्टर, टेक्स आफ्टर हिज फादर और टुक आफ्टर हिज फादर, टू टेक आफ्टर मतलब किसी पर जाना, हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन, नेवर बीन क्वेश्चन्ड, नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन नहीं, हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन क्वेश्चन्ड, हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन, क्वेश्चन्ड अपॉन हैज नेवर बीन क्वेश्चन्ड, called in question. I think we can use another preposition there as well. His honesty has never been called in question. Question is the best. I see her most weekends, but not very often in between. But not very often in between. In between that, right? I see her most weekends, but not very often in between. मतलब बीच में उतना ज़्यादा नहीं. Most weekends, but weekends के बीच में not often. The chancellor was present on both occasions. The chancellor was present at both occasions. Occasions hai, it's an event at both occasions. On both the occasions. The chancellor was present on both the occasions. I think the article is missing here. On would be correct, at, because at an occasion for an event or occasion if it's just something that happened, then on would be correct for that. But the occasions, the article is missing. The chancellor was present on both the occasions. The deliberations by the committee are completely confidential. The deliberation by the committee is completely deliberations of the committee. The deliberations of the committee are completely confidential. Yeah. Deliberations of someone, not by someone. All right, we're moving ahead.
A wise man puts past rancor behind and moves ahead. Rancor, we have to do synonyms. A wise man puts past rancor behind and moves ahead. So rancor is hatred. That is what rancor is. Many of the villagers were isolated on a tanha by heavy showers of rain, separated from others. That is the best. 12th B. 13th. A series of columns supporting a large porch is typical of medieval architecture. Columns, pillars, the statues, arches and murals are not that. Murals are something paints on the wall, like graffiti. Arches are wo ghume hue aise bow type structures. And statues are murtiya. Columns would be pillars. Is the best option here. C. Trees that block the view of oncoming traffic should be cut down. Block mala obstruct. So 14th ka B. Pretty easy these. The landscape changed abruptly out of snowball. Abruptly means suddenly. Ekdam se. So 15th A. Suddenly. You got 16th. We saw scintillating fireworks display. Scintillating is very fascinating. मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित करने वाले और बहुत आश्चर्यचकित करने वाले. But sparkling it says. Alright, scintillating. So fascinating seems to be the best option to me. I would say scintillating should be fascinating. But we can have our we can give benefit of the doubt again because you don't have the answer sheet from UPSC anyhow. Scintillating, the scintillating work, scintillating. The pact has been in effect for 20 years. Pact matlab treaty ho gaya. So dono ke beech mein sign hui hai. Treaty 17A. He had a reputation of being a prudent businessman. Prudent is very careful. Soch samajh ke kaam karne wala. Prudent. So careful, C. There was a signpost that the two paths converge. Converge matlab milna. So separate, intersect, diverge. Dono, tino opposite ho jayenge uske. इंटरसेक्ट हो जाएगा पर इंटरसेक्ट मिलना नहीं होता. इंटरसेक्ट सिर्फ मिलके और अलग हो जाना होता है फिर से. तो मर्ज इज द बेस्ट ऑप्शन हियर. 19 सी मर्ज. द वायलेंस इरप्टेड बिकॉज़ ऑफ द ज़ेलट्स. ज़ेलट मतलब बहुत ज्यादा फैनेटिक. हाँ, फैन जो होता है. डी. ज़ेलट इज समवन कट्टर, जैसे पागलपंथी, जिसके अंदर कट्टरपंथी का पागलपन होता है. दैट इज व्हाट अ ज़ेलट इज. सो फैनेटिक, जिसका शॉर्ट फॉर्म फैन होता है. जैसे आप फैन है अगर शाहरुख खान के, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे लगता है. सॉरी, अपॉलॉजीज. हो सकता है कि कोई हो सकता है वो शाहरुख खान और सलमान खान का फैन हो, आपसे बड़ा ही होगा फिर वो. एनी हो, वी गॉट एंटोनिम्स देन. 21st एंटोनिम्स वी गॉट इज कैंडिड रिमार्क्स इंप्रेस द अथॉरिटीज. कैंडिड का मतलब ये होता है कि अनप्रिपेयर्ड. तो कैंडिड मतलब ब्लंट हो जाएगा, सिंसियर. तो गार्डेड विल बी द बेस्ट ऑपोजिट हियर. ये बड़ी सोच समझ के किए जाने वाला काम. 21st B will be the best option. 22. The guilty appealed to the jury to condone his punishment. So you condone a punishment, matlab say yes to say ki it is a good thing. Achhi baat hai, achha hua. Opposite ho jayega condemn. Condemn his punishment, matlab kehna ki wo punishment sahi nahi hai. The guilty appealed to the jury to condone his punishment. His family severed ties with him. Severed. Oh, severed, not served, severed. Severed matlab alag karna, kaatna. Detached would be the synonym, but antonym chahiye toh joined. 23rd A, joined. 24th. It is easy to understand his fuzzy thoughts. Fuzzy is vague, misty. Opposite will be clear. The exact opposite is clear. So 24 C. And last for today, he drove his car through slimy road to reach your office. Slimy will a dirty, very ugly, slippery. Clean will be the opposite of it. 25th B. Alright, ladies and gentlemen, that's for today. I will see you in the next one.